हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो सामने आपके ब्लैकबोर्ड पे राइट है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह तीन, कह रहा है कि तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो कह रहा है उसमें मैंने पहले बताया था कि ब्लड के बारे में बताया था, सेकेंड वाला हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा सर्कुलेशन में, कह रहा है कि आप कह सकते हैं, मेन रोल अदा करता है सर्कुलेशन में, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हार्ट में। सबसे पहले बताइए कि हार्ट हमारा, कह रहा है कि किस टाइप का अंग है। जैसे मैं कह दूँ हार्ट हमारा हो जाएगा, या क्या है, या सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्या हो जाएगा हार्ट हमारा, क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। या पॉइंट हो जाएगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब ये हो जाएगा कि सर्कुलेशन में भाग लेने वाले ऑर्गन को, ऐसे ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन में अपटेक करते हैं, भाग लेते हैं, ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, कह रहा है कि मैंने बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें तीन, मैंने बताया था कि तीन पार्ट, तीन ऑर्गन होते हैं, तीन ऑर्गन मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम को करते हैं। तो उसमें हमारा, कह रहा है कि हार्ट भी आता है, तो इसलिए हम हार्ट को सर्कुलेटरी ऑर्गन नाम दे सकते हैं। इस जो हमारा हार्ट है, इट इज़ द वन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी ऑर्गन। इसके बाद ये बताएंगे कि जो हमारा हार्ट है यह किसका बना होता है। हार्ट में, मैं यह कह दूँ कि हार्ट में कार्टिलेज होता है, बोन होता है, मसल्स होता है, किसका बना होता है। तो हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना होता है। तो इसका अगला नाम हम कह सकते हैं कि हार्ट हमारा क्या होगा, हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन होगा, क्या होगा, मस्कुलर ऑर्गन, क्या हो जाएगा, मस्कुलर ऑर्गन होगा। इसके बाद मैं कह दूँ कि हार्ट में, कह रहा है कि बोन नहीं पाया जाता है, ना तो कार्टिलेज होता है, पूरा होल बॉडी इज कम्प्लीट ऑफ द हार्ट मसल्स, इसलिए आप कह सकते हैं कि हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बाद मैं कह दूँ कि हार्ट जो होता है, हार्ट के अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, या विज्ञान की जिस शाखा में हार्ट का हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यहाँ पर कार्डियोलॉजी, क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, यह हमारा हो जाएगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली हार्ट। कह रहा है कि कार्डियोलॉजी जो होता है यह विज्ञान की शाखा है, इसमें हम हार्ट का अध्ययन करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट कितना होता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे जो वेट होता है, जो वेट होता है हार्ट का, वह 300 ग्राम का होता है। कितने का होता है, 300 ग्राम का होता है। और मैं यह कहूँ कि हार्ट का बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत आपका कम भी हो सकता है हार्ट, यह हमारा हो जाएगा हार्ट का। कह रहा है कि 300 ग्राम का होता है हमारा हार्ट का वेट, कितना होता है, 300 ग्राम का। इसके बाद हम बताएंगे कि हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट का शेप कैसा होता है। यहाँ पर हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा सेप, क्या हो जाएगा, सेप। सेप में कह रहा है कि फिस्ट सेप का होता है, FIST, फिस्ट, फिस्ट सेप का मतलब होता है मुट्ठी के आकार के, व्यक्ति के मुट्ठी के सेप का हमारा हार्ट होता है। इसके बाद कह रहा है कि जो हार्ट होता है, मैं यह कह दूँ हार्ट जो, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मैं यह कह दूँ हार्ट हमारा 300 ग्राम का होता है, हार्ट हमारे, कह रहा है कि बॉडी के किस रीजन में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप बताओगे चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में मैं यह कह दूँ, अच्छा ये हो जाएगा इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, लोकेशन की बात कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा चेस्ट कैविटी, क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट पाया जाता है। इसके बाद मैं ये कह दूँ कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि हार्ट अगर चेस्ट में पाया जाता है तो मैं यह कह दूँ कि यह हमारा कह रहा है कि राइट साइड में पाया जाएगा या लेफ्ट साइड में। तो आप बताओ कि जो हमारा हार्ट होता है, मैं कह दूँ चेस्ट में पाया जाता है, ये तो नॉर्मल बात है, सभी लोग जानते हैं। मैं ये कह दूँ कि हार्ट चेस्ट के अंदर
राइट में पाया जाता है कि लेफ्ट में, कितना पाया जाता है, अगर पाया जाता है तो कितना कितना परसेंट पाया जाता है, या कितना पार्ट हर का राइट में होता है या लेफ्ट में। या जब भी देखेंगे कि फिजिशियन जो होता है, जब आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह चेकअप के लिए क्या करता है, आपके बॉडी के कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे आपको लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा चेस्ट कैविटी हो जाएगा। चेस्ट कैविटी में कह रहा है कि 280 ग्राम, एक मिनट, 80 नहीं 220 होगा, कह रहा है कि यहाँ पर 220 जी हाँ, ये क्या होगा, ये हमारा होता है लेफ्ट साइड में, और हमारा जो 80 जीएम होता है ये हमारा होता है, आप कह सकते हो कि सेंटर में, इसमें होगा सेंटर, यह हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई फिजिशियन आपको स्टेथोस्कोप या आरा लगाता है, जो हमारा हार्ट का जो, ऐसे मैं बता दूंगा आपको, जो हमारा हार्ट होता है, यह हो जाएगा जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें हमारा होता है कितना, 80% होता है, और 220% हमारा किसमें होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो हर्ट होता है हमारा, कह रहा है कि इसका मैं ये कह दूँ कि जो कह दूँ कि 220 ग्राम जो होता है वह हमारा लेफ्ट साइड में होता है, और जो 80 होता है वह हमारा कह रहा है कि सेंटर में होता है, ऐसा नहीं कह देंगे राइट में होता है, ये हमारे सेंटर में होता है, ठीक है। इससे इनका क्या है, जो हमारा हार्ट होता है बोला जाता है लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद मैं ये कह दूं कि चेस्ट में, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, तो चेस्ट कैविटी के ऊपर मैंने, आप सभी लोग देखे होंगे कि चेस्ट कैविटी के ऊपर बोन्स का जाल, बोन्स का पिजड़ा होता है, बोन्स का पिजड़ा, उसे रिब केज बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, रिब यानी पसली बोला जाता है, और केज का मतलब होता है पिंजरा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिब केज, तो रिब केज यानी पसली के अंदर होता है। तो पूछा यह जाता है, जैसे मैं कह दूँ चेस्ट के पास एक वी आकार की ऐसे बोन होती है, क्या होती है, वी आकार की। अब इस बोन का नाम क्या होगा, तो इस बोन का नाम होता है स्टर्नम, क्या होता है, ये हमारा चेस्ट में होता है, ये हमारा देख लेंगे चेस्ट, चेस्ट के ऊपर कह रहा है कि बोन का एक जाल होता है, और उस जाल के अंदर लंग्स और हर्ट सभी या कह सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में पैक होते हैं। तो इस बोन्स का नाम क्या होता है, तो इस बोन का नाम होता है, मैं बता दूं आपको, स्टर्नम होता है, क्या होता है, इस बोन का नाम होता है स्टर्नम, क्या होगा, स्टर्नम हो गया। इसके बाद मैं ये कह दूं कि इसके बाद जो हमारा स्टर्नम या बोन है वी शेप का, इससे कह रहा है कि ऐसे बोन निकले होते हैं, अब मैं कह दूं इससे ये बोन पतली पतली निकली होती हैं, और ठीक उसी प्रकार साइड निकली होती हैं। अब इसकी संख्या कितनी होती, पूछा जाता है हमारे बॉडी में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आपसे मैं बता दूं कि इस साइड कितना होता है, 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होता है 12, और इधर भी कितना होता है 12, और दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 24। तो पूछा जाता है कि जो हमारे बॉडी में रिब्स होते हैं, रिब्स का टोटल नंबर कितना होता है, तो रिब्स का टोटल नंबर हमारे बॉडी में पूछा जाता है, या तो बता सकते हैं कि 12 पेयर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 12 पेयर लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं नंबर की बात करें तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। अब यहाँ से बात यह आती है कि जो हमारा हार्ट है यह क्या होता है, चेस्ट में होता है, चेस्ट के अंदर होता है, और ये जो हमारा कह रहा है कि बोन्स का स्ट्रक्चर है, जिसे हम रिब्स बोलते हैं या रिब्स केज बोलते हैं, पसली पिजरा बोलते हैं, इस पिजरे में हमारा हार्ट पैक होता है। तो पूछा ये जाता है कि जब इसमें 220 ग्राम लेफ्ट साइड में है और 80 ग्राम हमारा सेंटर में है,
तो 220 वाला जो पार्ट, 220 ग्राम का पार्ट है, किस पसली से लेकर के और किस पसली के बीच में होता है, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं कह रहा इसमें हमारा हार्ट होगा, तो इसमें जब हमारा हार्ट आता है इस तरीके से हमारा हार्ट कुछ इस प्रकार इसमें लगा होता है। और पूछा जाता है कि किस किस पसली के बीच में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, स्थापित होता है। तो यहाँ से आप बताओगे टू पसली का जो दूसरा वाला पार्ट है वहाँ से हार्ट ले करके हमारा कह रहा है कि चला जाता है किस पसली तक, तो हमारा आता है सिक्स तक। कितने तक आता है यहाँ पर हो जाएगा, मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हो जाता है सिक्स पर। कितने हो जाएगा सिक्स पर, तो ये हमारा हो जाएगा। और किस में होगा तो आप बताओगे चेस्ट कैविटी में होगा। किस में होगा तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट कैविटी। किस में हो जाएगा ये बात हो रही है, चेस्ट कैविटी की बात हो रही है। इसमें बताएंगे चेस्ट कैविटी बताएंगे। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे देख लेंगे पूरे, इसके बाद मैं कह दूँ हाँ कि जो हमारा चेस्ट कैविटी हो गया। अब कह रहा है कि चेस्ट कैविटी के अंदर तो भाई लंग्स भी होता है, तो हार्ट लंग्स के किस साइड होता है, तो आप बताओगे कि चेस्ट का जो हमारा चेस्ट कैविटी है यह किस, यहाँ पे पैक होता है पसली और जो हमारा पसली के पिजरा से पैक होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट स्थापित होता है। देख लेंगे हल्का सा इसमें क्या होता है। जैसे मैं कह दूँ दोनों लंग्स की बात करूँ, तो दोनों लंग्स की बात आप करेंगे, जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पर हो जाएगा दोनों लंग्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब लंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लंग्स यहाँ ऐसे लगा होता है तो हार्ट हमारा कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि लंग्स जो होते हैं, लंग्स का जो हमारा कह रहा है कि लेफ्ट साइड का होता है यह थोड़ा सा छोटा होता है और राइट साइड का थोड़ा ऊंचा, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट और ये हमारा हो जाएगा राइट। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे झुकाव होता है क्योंकि इसी झुकाव की वजह से यह वाला जो लंग्स का लेफ्ट वाला पार्ट है यह थोड़ा छोटा होता है। और इस कह रहा है कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं यानी गड्ढा बोलते हैं। और इसे वैसे तो आप नोच बोलते हैं। इसके बाद मैं कह दूं इसे बोलेंगे नोच, और इसे पूरा बोला जाता है कार्डियक नोच। क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच बोलते हैं। कार्डियक नोच का मतलब ये हो जाएगा, देखो हमने लिखा क्या कार्डियक, और कार्डियक का कनेक्शन किससे है, यहाँ पे देख लो कार्डियक नाम आया कि नहीं आया, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी की विज्ञान की शाखा जिसमें हार्ट का अध्ययन करते हैं, तो इस वाले पार्ट में कह रहा है कि यहीं पर हमारा हार्ट स्थापित होता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे लाएंगे तो लंग्स हमारा इसमें आ जाएगा और हार्ट इस वाले पार्ट में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच बोलते हैं, यह हमारा हो जाएगा। और बीच में जो लाइन लिखी है मैंने श्वसन वाले में बताया था कि इस वाली लाइन्स को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, हिंदी में श्वास नली बोलते हैं। ये चीज़ सारे कुछ बताएंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ आप जाकर के वहाँ से अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं ये कह दूँ अगर टोटल नंबर आप लिप्स की बता रहे हैं कि यहाँ पर 24 होता है, तो टोटल नंबर आपका ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो जो बोन होते हैं बोन में कह रहा है कि 206 होता है, 206 भी होती है। अगर मैं कह दूँ किसमें होता है तो आप बताओगे एडल्ट में, किसमें होता है, एडल्ट में होता है। लेकिन मैं बात करूँ कि चाइल्ड में कितना होता है, तो चाइल्ड में आप लिख सकते हो मोर देन, यहाँ पर हो जाएगा मोर देन 300। क्या हो जाएगा 300। अब यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल नंबर बोन का कितना होता है बॉडी में, तो टोटल नंबर हमारा होता है 206 होता है। और कह रहा है कि चाइल्ड की बात कर लेंगे तो चाइल्ड में हमारा क्या होता है 300 होता है, या मोर देन 300 ऊपर भी हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं और उसका नंबर क्या होता है डिक्रीज होकर के 206 पे आ जाता है। अब हम देखेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ट आखिर कह रहा है किस तरीके से कार्य करता है, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख लो हार्ट हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन है क्योंकि सर्कुलेशन में भाग लेता है। हार्ट को टच करके आप देखोगे तो पूरा मसल्स का बना है,
तो पूरा मसल्स का बना है, तो विज्ञान की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का नाम है मस्कुलर, यानी मांसपेशिया, यानी हर जो हमारा हृदय है वह हृदय एक मांसपेशी अंग है, उसको बोलते हैं मस्कुलर आर्गन। इसके बाद ये होगा कि जो हृदय हमारा है, कह रहा है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कार्डियोलॉजी। इसके बाद मैं ये पूछूँ कि हृदय का नॉर्मल वेट सामान्यतः कितना होता है, तो आप बताओगे 300 होता है। कितना होता है? 300 ग्राम का, 300 ग्राम का होता है। इसके बाद ये चले आगे, कह रहा है कि हार्ट का शेप कैसा होता है, आप बताओगे फिस्ट शेप का, मुट्ठी के आकार का होता है। इसके बाद नीचे लिखा गया लोकेशन, हार्ट बॉडी के किस पार्ट में होता है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पर लिखा गया चेस्ट कैविटी, ये आपके चेस्ट में होता है। नीचे लिखा गया है कि इसके बाद इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन में जब बता रहे हैं 300 ग्राम का होता है, तो चेस्ट में दो साइड होते हैं, एक होता है राइट, एक हमारा होता है लेफ्ट। अब ये पूछा जाए कि चेस्ट में हृदय होता है तो हृदय लेफ्ट साइड में होता है या राइट में, तो कह रहा है कि जो हमारा चेस्ट होता है यह सेंटर में होता है। किस में होता है? सेंटर में। तो सेंटर से लगाए लेफ्ट तक के लेफ्ट तक होता है, इसमें आप बता सकते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वह लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि 220 ग्राम हमारा लेफ्ट साइड में होता है और 80 ग्राम हमारा सेंटर में होता है। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा इसका डायरेक्शन। इसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा हार्ट होता है वह ऊपर एक बोन्स का पिंजरा होता है, उसमें पैक होता है, उस पिंजरे को क्या बोलते हैं? उस पिंजरे को रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स मींस होता है पसली। अब बात यह आती है पसली का नंबर कितना होता है, तो पसली का नंबर यहाँ पे लिखा गया है कि रिब्स का टोटल नंबर होता है 12 पेयर, यानी 12 जोड़ा होता है, नंबर की बात करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब ये बताना है कि हार्ट इस पसली में कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, पसली के किस पसली से स्टार्ट होता है, कहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। तो देख लेंगे पसली का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट होता है और सिक्स वाले पे आके, इसको सिक्स मान लेंगे, सिक्स तक आता है, सिक्स तक आकर के हमारे समाप्त होता है। टोटल नंबर कितना होता है? 12 इधर होते हैं, 12 इधर होते हैं, और इसलिए हमारा क्या होता है? 24 होता है। इसके बाद इसी के अंदर हमारा लंग्स भी होता है, तो ये बात ये आती है कि बताइए लंग्स के किस साइड हमारा हार्ट होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में कह रहा है हमारा हार्ट स्थापित होता है। कह रहा है कि जो लेफ्ट लंग्स होता है उसका पार्ट थोड़ा देख लेंगे ऐसा थोड़ा धंसा हुआ होता है, थोड़ा गड्ढा होता है, नोच होता है, उसमें गड्ढा पाया जाता है, और उस गड्ढे में आप कह सकते हैं उस गड्ढे के पास में हमारा हृदय उसमें स्थापित होता है, और इस गड्ढे को कहा जाता है कार्डियक नोच कहा जाता है। तो यहाँ तक आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद बताएंगे कि हम सीधे चलेंगे हार्ट पे। ये तो हो गई हार्ट के बारे में जानकारी, ये तो नॉर्मल बात है कि हार्ट मतलब कैसा होता है, किस शेप का होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कैसा आर्गन है, कार्डियोलेजियस आर्गन है कि बोन्स का आर्गन है। अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में, क्या बताएंगे हार्ट को। अब देखो हार्ट को बताना है तो सबसे पहले हम हार्ट का यहाँ डायग्राम बनाएंगे। ये हार्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार्ट। इसके बाद मैं कह दूं कि जो मैमेलियन हार्ट होता है, जैसे मैं बात करूं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट को जब आप इंटरनली तौर पे देखोगे, आंतरिक पार्ट को देखोगे, तो इसमें कह रहा है कि हार्ट में कह रहा है कि चार चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख दूं, चार चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कच होता है। क्या होता है? कच। कच यानी इसमें कह रहा है कि जो हार्ट हमारा होता है आंतरिक रूप से चार पक्ष में बटा होता है, चार आप कह सकते हैं कोष्ठक होते हैं, पार्ट होते हैं हार्ट में। तो कह रहा है चारों पार्ट का निर्माण कह रहा है किस सेप्टम किसके द्वारा होता है, किस लेयर के द्वारा होता है हमारा, तो इसमें हम देख लेंगे। कह रहा है कि जो हमारा हार्ट है, और इसमें एक बात कि देखो अगर ब्लड की बात करें
पहले सही देखो, अब कह रहा है कि चार होते हैं तो एक हमारा यहाँ से एक ऐसे लेयर आती है, आज इसको डिवाइड कर देते हैं। आज एक लेयर यहाँ से हमारा आता है यहाँ पे, आज इस तरीके से हार्ट देखो चार होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हार्ट में चार चैम्बर होता है, तो चार चैम्बर होता है, तो चार चैम्बर में मैं कह दूँ इस चार चैम्बर का निर्माण इसे बोलते क्या है, तो इस वाले लेयर को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। यह सेप्टम क्या करता है, हार्ट को लॉन्गिट्यूडनली दो भाग में डिवाइड कर देता है। और यह वाला सेप्टम क्या करता है, यह इसे कह रहा है कि दो भाग में डिवाइड कर देता है। अब मैं कह दूँ इस वाले पार्ट को आप यहाँ पर लेफ्ट, आप इसको राइट नहीं बोल सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, इस वाले पार्ट को बोलोगे लेफ्ट, क्या बोलेंगे लेफ्ट, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे राइट, क्या हो जाएगा राइट। अब मैं कह दूं ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो ऊपर वाले इसका चार कच है, तो चार कच का कोई ना कोई नाम होगा, तो कह रहा है कि ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको हम बोलते हैं, कह रहा है कि इसे हम बोलते हैं अर्किड, क्या बोलते हैं अर्किड बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अर्किड। और इसे भी बोलते हैं अर्की, क्या बोलते हैं अर्की, जिसे हिंदी में अलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलिंग बोलते हैं, और इसे भी अलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे अलिंग अलिंग। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कह रहा है कि एक लेयर यहाँ से निकलता है, हार्ट को दो भाग में डिवाइड कर देता है, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को, तो कह रहा है कि यह वाला जब यहाँ से निकलता है यह सेप्टम, तो ऊपर वाले पार्ट को अर्किल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यह वाला पार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल। तो अगर मैं बात करूँ इसे, अगर मैं हटा दूँ यहाँ पर, इसे दो मिनट के लिए हटा दूँ, तो हार्ट सबसे पहले एक का लेयर से जिसे बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम से ऊपर नीचे दो भाग में डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अर्किल, जिसे हिंदी में अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल, जिसे हिंदी में निलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं निलय, निलय। अब देखो, अब इस डिवाइड करने वाले लेयर का नाम क्या हो जाएगा सेप्टम। अब यहाँ से एक लेयर और निकलती है, अब यह इसे क्या करती है, ऐसे डिवाइड कर देती है, अब यह हृदय हमारा दो से चार पार्ट में हो गया, तो नीचे वाला इसे हम निलय बोलते हैं, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, तो यह देखेंगे यह लेफ्ट साइड में है, तो यह हमारा कह रहा है कि क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यह वाला देखेंगे अलग है, तो यह वाला किधर राइट साइड है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा इधर भी होगा हमारा वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या हो जाएगा वेंट्रिकल, और यहाँ पर हो जाएगा राइट साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा राइट साइड। अब देखो मैंने ऊपर लिखा है कि हार्ट में फोर चैम्बर होता है, तो चारों चैम्बर का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हृदय को चार भाग में डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे लेफ्ट में सबसे पहले आप बता दूँ कि हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्किल ऊपर वाले को अर्किल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, तो ऊपर वाले को अर्थी नीचे वाले को वेंट्रिकल, एक सेप्टम और आता है यहाँ से हार्ट को चार पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब हमारा एक अर्किल वाला पार्ट दो भाग में हो गया, एक चला जाता है लेफ्ट साइड में और एक चला जाता है राइट साइड में। अब कह रहा है कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको राइट अर्किल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे राइट अर्किल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट अर्किल बोलते हैं, सेम टू सेम नीचे चले जाएंगे। पूरा का पूरा यह पोर्शन किसका है आप बताओगे वेंट्रिकल का, लेकिन वेंट्रिकल में जब सेप्टम आके डिवाइड करता है तो वेंट्रिकल वाला पार्ट दो भाग में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से दो भाग में, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे तो लेफ्ट साइड है, तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब यह वाला देख लेंगे कह रहा है यहाँ पे राइट राइट साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। यानी आपको
हार्ट में चारों चैम्बर क्लियर हो गए हैं कि होता क्या है। और इसमें डिवाइड करने वाले सेप्टम को क्या बोलते हैं, डिवाइड करने वाले जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसके बाद मैं कह दूँ कि जो हमारा इसमें हम कह रहा है कि रक्त आता है, तो रक्त में कह रहा है कि दो साइड से हमारा कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो हृदय होता है, सबसे पहले यह मैं कह दूँ कि जब अगर आर्गन से अगर ब्लड जाता है आर्गन से होते हुए, तो सबसे पहले हमारा किस में जाता है, सबसे पहले हमारे अर्किल भरते हैं। कौन भरते हैं, अर्किल भरते हैं। अर्किल जब भर जाता है तो उस अर्किल से हमारा चला आता है उधर किस में, नीचे चला आता है, जिसे आप कह सकते हैं वेंट्रिकल में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ जो आगे चल करके आपको हेल्पफुल होगा समझने में। जिस रुधिर में, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर O2 वाला अगर ब्लड होगा, अगर O2 वाला यहाँ पर रुधिर होगा, यहाँ पर मैं कह दूँ O2 वाला अगर ब्लड होगा, तो इस ब्लड को आप बताओगे प्योर, क्या है प्योर। अगर CO2 वाला ब्लड है तो इसे आप बताओगे, CO2 वाले ब्लड को बोलते हैं इम्प्योर। क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। दो चीज़ हो गया, यानी इसको बोलते हैं शुद्ध रुधिर और इसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। क्या बोलेंगे, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर हो गया। अब ये बताना है कि अशुद्ध रुधिर क्या होता है। शुद्ध रुधिर कह रहा है कि जिस रक्त में या जिस ब्लड में जिसमें O2 का मालिक्यूल होगा उसे हम बोलते हैं शुद्ध रुधिर, और जिसमें CO2 होता है उसे बोलते हैं अशुद्ध। इसके बाद ये हो जाएगा कि रुधिर सबसे पहले आता किसमें है। पूछा ये जाता है कि हृदय में सबसे पहले अशुद्ध वाला रुधिर किसमें आता है, तो आप बताओगे अशुद्ध वाला रुधिर हमारा कह रहा है कि राइट अर्किल में आता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ये वहाँ पर जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, यह हो जाएगा लेफ्ट अर्किल, किसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट अर्किल बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमारा CO2 वाला ब्लड आता है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यह होगा लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा राइट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेंट्रिकल, और इसमें हमारा आता है CO2 वाला ब्लड। क्या आ जाएगा, CO2 वाला ब्लड। इसके बाद मैं कह दूँ लेफ्ट में क्या आता है, तो लेफ्ट में हमारा आता है, लेफ्ट में हमारा हो जाएगा अर्किल हो जाएगा। लेफ्ट अर्किल की बात करेंगे तो लेफ्ट अर्किल में हमारा कह रहा है कि शुद्ध रुधिर आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध रुधिर यहाँ पर सबसे पहले आता है। इसके बाद मैं कह दूँ हमारा रुधिर कहाँ पर आएगा, तो हमारा रुधिर चला आता है यहाँ पर कह रहा है कि लेफ्ट में वेंट्रिकल में, और यहाँ पर क्या होता है O2 वाला ब्लड होता है। क्या हो जाएगा, O2 वाला ब्लड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अशुद्ध रुधिर हृदय के किस कक्ष में होता है, तो आप बताओगे राइट अर्किल जो होता है और लेफ्ट, यहाँ पर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट अर्किल और राइट वेंट्रिकल में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, और लेफ्ट अर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा हृदय में शुद्ध रुधिर बहता है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद मैं कह दूँ कि जब हमारा यहाँ पर CO2 वाला ब्लड हमारा इसमें आता है, और यह ब्लड या हमारा कह रहा है कि रक्त कहाँ से आएगा, तो यह रक्त हमेशा कह रहा है कि आर्गन से आएगा, इससे आएगा आर्गन से। जब इसमें रुधिर आता है तो यह भरते कैसे हैं, कह रहा है कि जब इसमें रुधिर आता है तो इसमें यहाँ पर मैं कह दूँ कि यहाँ पर वाल्व लगा होता है, जब इसमें हमारा CO2 वाला रुधिर आता है, तो रुधिर आने के बाद जो हमारा यह हमारा एक दो और यहाँ पर तीन क्या होगा, तीन यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कपाट लगे होते हैं, क्या होता है कपाट, ठीक है, यहाँ पर कपाट लगा होता है। जब इसमें रुधिर आके भर जाता है तो यह कपाट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, और इस कपाट का नाम होता है, मैं आपको बता दूँ, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और इसे हिंदी में त्रित्वलित वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिवलित वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है,
ट्राइकस्क्यूलर नाम इसलिए देख लेंगे, इसमें 1 2 3 तीन है, तीन को आप ट्राई बोल सकते हैं, तो इसको याद करने का एक भी तरीका है कि इधर देख लेंगे तीन है और इस वाल का नाम होगा ट्राइकस्क्यूलर वाल होगा। इसके बाद ये कह दूं कि जब इसमें रक्त पूरा भर जाता है भरने के बाद यह कपाट, कपाट एक्चुअल मैं कह दूं कि यह जो संस्कृत का शब्द है कपाट का मतलब होता है दरवाजा, जब यह इसमें रुधिर भर जाता है तो यह दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, ठीक है। अब ये कपाट जैसे ओपन हो जाता है तो इसमें से सारा रुधिर हमारा इसमें चला जाता है, इसके बाद इसमें हमारा चला जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें जब रुधिर भर जाता है तो यहाँ पर हमारा होता है दो, यहाँ पर हो जाएगा दो, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर लगा है तो इसे अब ये भी जब भर जाता है तो भरने के बाद इससे हमारा फिर क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसके बाद किसमें आ जाता है आप बताओगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आता है, पूछा जाता है कि जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है हार्ट के किस पार्ट में, किस पार्ट के बीच में होता है, तो आप बताओगे कि राइट अर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और लेफ्ट अर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसके बाद आगे आपको हो जाएगा कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में कह रहा है कि एक नीचे यहाँ पर, जैसे मैं कह दूँ एक यहाँ पर कपाट और होता है, यहाँ पर एक यहाँ पर कपाट और होता है। अब इस कपाट का नाम है, इस कपाट का नाम होता है सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। इसे अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं, अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं, देख लेंगे आधे चांद की तरह। इसमें काम क्या होता है कि इससे क्या होता है कि एक ध्वनि निकलती है, जब हमारा रुधिर इसमें आता है तो आने के बाद इससे हमारा एक ध्वनि निकलती है। और वह ध्वनि जब कोई फिजिशियन क्या करता है, बैकबोन की साइड आपके मैं कह दूँ कि आला लगा के चेक करता है तो वह क्या होता है कि हार्ट में हार्ट साउंड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्ट से हार्ट साउंड निकलता है और उस हार्ट साउंड को क्या करता है, वह सुनता है। और मैं ये बता दूं कि हार्ट साउंड सुनता है उसमें से दो साउंड निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? जब मैं यह कह दूं कि हार्ट क्या करता है, हार्ट में जब ब्लड आता है इसमें रक्त आके भर जाता है, भरने के बाद जब हमारा रक्त हमारा कह रहा है कि राइट अर्किल से हम कह दें कि यहाँ पर जाएगा राइट वेंट्रिकल में आता है, तो जब इसमें रुधिर आता है तो जब ये कपाट बंद होते हैं तो बंद होने के बाद इसमें से आवाज़ें आती हैं। क्या आती हैं? आवाज़ें आती हैं और उस आवाज़ को नाम दिया जाता है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हार्ट साउंड। यहाँ पर मैं लिख दूँ, हार्ट साउंड। जब ये यहाँ पर हार्ट इसमें ब्लड आके भर जाता है, भरने के बाद इसमें आता है, तो जब ये भर जाता है तो यह जब क्लोज होते हैं तो उसमें से आवाज़ें आती हैं। क्या आती हैं? आवाज़ें आती हैं। तो ट्राइकस्पिड जो वाल्व है यह वाल्व क्या करता है, जब क्लोजिंग करता है तो क्लोजिंग के दौरान इसमें से एक साउंड आती है और उस साउंड को नाम देते हैं, यहाँ पर नाम हो जाएगा लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव। यह हो गया। अब मैं कह दूं कि जब हमारा इसमें रक्त भर जाता है और डाई का जो हमारा बाइक का स्पीड है इससे जब रक्त हमारा चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये जब बंद होता है तो उससे हमारी आवाज यहाँ पर आती है, यानी यहाँ पर हो जाएगा बाइक का स्पीड वाल्व से
कह रहा है कि जो ध्वनि आती है या साउंड आता है उस साउंड को बोलते हैं, उसको बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब। उसको बोलते हैं डब, बोलते हैं। इसके बाद मैं कह दूं कि जो हमारा यहाँ पे लिखा गया था सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व लिखा था मैंने, इससे एक ध्वनि आती है, इस वाल से ध्वनि आती है जिसे बोलते हैं मरमर। क्या बोलते हैं? मरमर, मरमर। क्या बोलते हैं? मरमर। अब मैं आपको बता दूं कि जब कोई फिजिशियन हार्ट पे आपको चेक करता है हमें लगा के, तो जब हमारा हार्ट क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो वह ये चेक करता है कि जब चेक कर हमारे हार्ट को अलग लगा के चेक करता है, तो इसमें दो कंडीशन बनती है। एक होता है नॉर्मल, क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट से किस प्रकार की साउंड आती है और वो आपको बता देता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट से साउंड आती है उसे बोलते हैं, एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ट्राइकप्सिल का जो हमारा साउंड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डब हो जाएगा, लग डब लग डब। तो वह आवाज़ किसको सुनता है? जब आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो आपके हार्ट से साउंड आता है लग डब लग डब। लेकिन जब आपका हार्ट एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, किसमें? एबनॉर्मल कंडीशन में जाता है, तो वहां पर आवाज आती है क्या? वहां पर आवाज आती है मरमर, मरमर। क्या आती है? वहां पर जो आवाज आती है उसे बोलते हैं मरमर। तो जब ये हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल कंडीशन में, क्वेश्चन ये बनता है कि मरमर की साउंड हार्ट के किस कपाट से आती है, किस कपाट से आता है? तो आप बताओगे सेमी लूनार वाल्व से मरमर की आवाज आती है। दूसरी बात यहाँ से इसके बाद हो जाएगा कि एबनॉर्मल कंडीशन में हार्ट किस प्रकार का साउंड क्रिएट करता है, तो आप बताओगे मरमर का। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा राइट अर्किल है और हमारा राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कितने इन दोनों के बीच में जो हमारा वाल्व होता है, कौन सा वाल्व होता है? तो आप बताओगे ट्राइकप्सिल वाल्व होता है। कौन सा होता है? ट्राइकप्सिल वाल्व। इसके बाद यह पूछे कि जो हमारा सेमी लूनार वाल्व है यह हार्ट के किस चेंबर में है, तो आप बताओगे यह हमारा कह रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा राइट हमारा वेंट्रिकल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल में हो जाएगा। इसके बाद यह पूछा जाए कि डाइकस्पिड जो वाल्व होता है, डाइकस्पिड वाल्व से किस प्रकार की साउंड क्रिएट होती है, तो आप बताओगे डब डब डब। यहाँ हो जाएगा डब डब की आवाज़ जो साउंड क्रिएट करता है वो हमारा आता है बाइकस्पिड से। और मैं कह दूँ कि जो लब डब की आवाज़ है, लब लब जो बोलते हैं, लब जो हमारा साउंड क्रिएट करता है वो हमारा किसे करता है, वो साउंड क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से, यह हमारा हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि हार्ट में अगर ये चार चेंबर है, तो यह चार चेंबर वाला हार्ट किस प्राणी का लक्षण है, तो आप बताओगे मैमल्स का। किसका है? मैमल्स का। ये हार्ट का जो चेंबर होता है यह घटता रहता है। कह रहा है कि जैसे मैं कह दूं कि मैमल्स में मैं कह दूं कि जो हार्ट होता है यह चार चेंबर का होता है, तो आप फिश का बता दो। जो मछली का होता है हार्ट, अगर मैं मछली के हार्ट की बात करूं, आपसे पूछा जाए कि मछली के हार्ट में चेंबर कितना होता है,
तो यहाँ पर आप बताओगे दो चैम्बर होता है, क्या होता है दो चैम्बर, इसमें होता क्या है? अगर मैं कह दूं या फिस का हमारा हो जाएगा, तो इसमें हम बता देंगे कि एक हमारा अर्किल होता है और दूसरा हमारा वेंट्रिकल होता है, हो गया। इसके बाद मैं कह दूं कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी में जो हृदय पाया जाता है वह कितने चैम्बर का होता है? तो पक्षी में जो हमारा कह रहा है कि हार्ट होता है उसमें फोर चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? उसमें फोर चैम्बर होता है। अगर मैं बर्ड की बात करूं, बर्ड में जिसमें आप बताओगे फोर चैम्बर होता है, ये क्या हो जाएगा? फोर चैम्बर हो जाएगा। और फ्रॉग और रेप्टाइल्स की बात करें, फ्रॉग और रेप्टाइल्स की यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉग रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स फ्रॉग और रेप्टाइल्स की बात करूँ तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा होता है कितना? तीन चैम्बर। अगर किसी प्राणी का आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण में यह हो जाएगा, अगर हर्ट के आधार पर कर रहे हैं तो हर्ट में यह बताया जाता है कि अगर दो दो चैम्बर है तो दो चैम्बर के लिए हम फिश में फिश की कैटेगरी बताते हैं कि अगर दो चैम्बर है तो वह एक फिश का लक्षण है, तीन चैम्बर है तो हमारा कह रहा है फ्रॉग का और रेप्टाइल्स का है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ फोर चैम्बर वाले प्राणी जो है वो किस ग्रुप में आएंगे, तो आप बताओगे मैमल्स में आएंगे। मैमल्स के अंतर्गत ये भी एक मैमल्स का एक आप यूनिक लक्षण है कि इस ग्रुप में जितने भी सदस्य आते हैं उन सभी लोगों की बॉडी में फोर चैम्बर वाला हार्ट होता है। कितने चैम्बर वाला? फोर चैम्बर वाला। हाँ, यहाँ पर देखो जो फ्रॉग और रेप्टाइल्स को लिखा गया है यहाँ पर तीन होता है, तो तीन में क्या होता है? यहाँ पर दो अर्किल होता है, क्या हो जाएगा? दो अर्किल होता है और हमारा एक वेंट्रिकल होता है, क्या हो जाएगा? एक हमारा वेंट्रिकल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तीन हो जाएगा। ये हो गया हमारा हार्ट से जुड़ी बातें, और आज के इसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े हैं। और मैं ये बता दूं कि हार्ट जो हमारा होता है एक दिन में 180 ग्राम, वो एक दिन में कितने ग्राम हमारा ब्लड को पंपिंग करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 180 mm को क्या करता है हमारे बॉडी में, कह रहा फ्लो करता है। और यहाँ पर देख लेंगे एक बार, इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे आखिर इसमें हम पढ़े क्या। सबसे पहले हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, सीधे बताएंगे जो हमारा हार्ट होता है इसमें चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर में किस प्रकार के प्राणी होता है आप बताओगे? मैमल्स में होता है। मैमल्स का एक आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जिस मैमल्स के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं उन सभी लोगों के जो हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर होता है। मैं कह दूँ चार चैम्बर है, चार चैम्बर का नाम बताइए, तो चार चैम्बर में यहाँ पर देखो हो जाएगा कि ऐसी एक लेयर आती है, एक इधर से लेयर आती है, इसे बोलते हैं सेप्टम। यह सेप्टम क्या करता है? हार्ट को चार पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब ये देख लेंगे ये वाला इस साइड है, इस साइड का नाम क्या है, इसे आप राइट बोलोगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा यह वाला राइट, ऊपर वाले पार्ट को मैंने बताया था जो हार्ट है, अगर पहली बार इसे सेप्टम से डिवाइड करेंगे तो ऊपर अर्किल नीचे वेंट्रिकल, ऊपर अर्किल नीचे वेंट्रिकल। जब इसमें से एक सेप्टम यहाँ से निकल के जाता है ऊपर, तो इसे क्या करता है? चार कक्ष में डिवाइड कर देता है। अब चार कक्ष में देखेंगे यह ऊपर वाला भाग ये हमारा कह रहा है राइट साइड हो गया या लेफ्ट साइड हो गया। अब यह अर्किल दो भाग में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा राइट अर्किल, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट अर्किल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे वाला जब वेंट्रिकल है ये भी डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, इधर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यह पूछा जाता है कि हृदय के किस कक्ष में कह रहा है कि शुद्ध रुधिर बहता है, तो आप बताओगे यहाँ पर शुद्ध रुधिर की बात करें तो लेफ्ट अर्किल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलवेज हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। पूछा जाता है अशुद्ध रुधिर किस चैम्बर में या किस पार्ट में अर्किल बहता है, तो आप बताओगे राइट अर्किल में और राइट वेंट्रिकल में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। इसके बाद मैंने बताया कि जब राइट अर्किल में ब्लड आता है या जब पूरा भर जाता है भरने के बाद, यहाँ पर तीन वाल्व लगे होते हैं, इस वाल्व का नाम मैंने बताया ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व दरवाजे की तरह काम करते हैं, जब तक ये पूर्ण रूप से भरेगा नहीं तब तक ये कह रहा है कि नीचे रुधिर आएगा नहीं। जब पूर्ण रूप से भर जाता है यहाँ से यह वाल्व ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाते हैं और रुधिर नीचे चला आता है। जब रुधिर नीचे चला आता है तो रुधिर जब ये आप ऑटोमेटिक ये कपाट क्या करते हैं बंद हो जाते हैं। जब कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, तो दबने के बाद यह रुधिर वापस चलाना चाहिए, कपाट क्या करते हैं आपस में बंद हो जाते हैं। बंद हो जाने के बाद
यहाँ से विद्युत इसमें चला आता है, यहाँ पर कह रहा है कि पूछा जाता है जो ट्राइकस्पिड वाल्व है या वाल्व कह रहा है कि हार्ट के किस चैम्बर में पाया जाता है, आप बताओगे राइट आर्टरी और यहाँ पर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व एक वाल्व होता है जो हार्ट में पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट में पाया जाता है। और इसे इससे जब हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है, तो पंपिंग करने के दौरान हार्ट से एक साउंड क्रिएट होता है और उस साउंड को कहते हैं हार्ट साउंड। अब कह रहा है कि हार्ट साउंड में कह रहा है कि कैसे हार्ट साउंड, किस हार्ट साउंड को आप नॉर्मल कहोगे, किसे आप नॉर्मल कहेंगे। तो जब कोई फिजिशियन आपके बैक साइड पे हर आलेख को लगा करके चेक करता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, चेक करता है, तो उसमें से इसी साउंड को सुन करके वो आपके हार्ट के नॉर्मल आपके नॉर्मल कंडीशन को क्या करता है, अंकित करता है। तो जैसे मैं कह दूँ कि जो ट्राइकस्पिड आवाज है, जब ये बंद होता है तो एक आवाज़ आती है, उस पर लिखा है लग। और जब हमारे यहाँ लिखा है बाइकस्पिड वाल्व, जब बंद होता है उसमें से आती है डग की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से जो आवाज़ें आती हैं, डब 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 की आवाज़ आती हैं। और जो हमारा सेमी लूनार वाल्व है, इस लूनार वाल्व से कह रहा है कि मरमर की आवाज़ आती है। तो जब हमारे हाथ से डब डब की आवाज़ आएगी तो हमारा हाथ नॉर्मल कंडीशन में होगा, और जब हमारा मरमर की साउंड क्रिएट करता है तो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। और पूछा ये जाता है कि जो मरमर की आवाज़ें एबनॉर्मल कंडीशन में आती हैं, हार्ट के किस कपार से आती हैं, तो आप बताओगे। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जाएगा सेमी लूनार वाल्व से आता है। किससे आता है? सेमी लूनार वाल्व से आता है। इसके बाद ये हो जाएगा कि जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जो हमारा हार्ट है, या हार्ट मैं बता दूँ आपको कि हार्ट के चैम्बर के आधार पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वर्गीकरण किया गया है। अगर मैं कह दूँ पक्षी में, मैं आपसे बता दूँ यहाँ पर फिश का जो हार्ट होता है उसमें दो चैम्बर होता है, लेकिन पक्षियों में जो चैम्बर होता है उसमें चार चैम्बर होता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूँ फ्रॉग और रेप्टाइल्स की, जिसमें क्या होता है, तीन चैम्बर होता है, दो अर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और पक्षी में एक अर्किल एक वेंट्रिकल होता है। तो ये हो गया आपका हर। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा क्या चीज़ें समझ में आए क्या नहीं आए हैं, और इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो मिस्टेक है उसको बताएं कि और क्या चीज़ में समझ में नहीं आया है आपको, फिर से इसको एक बार बता दिया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।